हेलोग्रांड फिर से द टेक्नोराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं राजेंद्र। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप भी यूट्यूब पर बहुत दिन से काम करते आ रहे हैं और आप एक यूट्यूबर हो एंड यूट्यूब क्रिएटर हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमेंट्स टर्न ऑफ बता रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी टर्न ऑफ है तो फ्रेंड्स उसको आप कैसे ऑन करेंगे, कैसे अलाउ करेंगे, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो पर आपको फुल्ली प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप इजी से कैसे जो भी डिसेबल रहता है कमेंट बॉक्स, तो फ्रेंड्स उसको आप इजी से कैसे ऑन कर लेंगे, टर्न ऑन कर लेंगे, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आती रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्रेंड्स जाकर के आप आसान के साथ इंस्टॉल कर लेना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन को। YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरीके से आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको व्यू मोड पर क्लिक कर देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू मोड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सारे के सारे वीडियो जितने भी आप वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर, तो सारे के सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी वीडियो पर टर्न ऑफ है कमेंट्स, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से आ जाता है। देन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पेंसिल का आइकन मिल जाता है फ्रेंड्स ऊपर पर। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस फिर से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आ जाना। देन दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंट विजिबिलिटी, और यहाँ पर देख सकते हो मेरा अलाउ ऑल कमेंट्स है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो डिसेबल है नीचे। उसके बाद ऊपर में होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, उसके बाद हमारा होल्ड पोटेंशियली, इस तरीके से आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स अगर आपका टर्न ऑफ है तो फ्रेंड्स आपका डिसेबल कमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, अलाउ ऑल कमेंट्स कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अलाउ हो जाएगा, यानी कि टर्न ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से टर्न ऑन कर सकते हो अपना कमेंट बॉक्स को। अगर आप ऑफ करने के लिए चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर आपको सिंपली उसको क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसेबल कमेंट कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड टर्न ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से टर्न ऑफ कर सकते हो अपना कमेंट बॉक्स को एंड टर्न ऑन कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो आपको पसंद ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो, उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो आज के लिए इतना था, नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।